हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नीतू आर आर ब्लॉग्स में। सो आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्ते, यानी रिकॉच। इसको बहुत सारे नामों से अलग अलग जाना जाता है। आपके वहाँ क्या बोलते हैं इसको, जरूर कमेंट में बताएं। और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही कम तेल में बनने वाली ये रेसिपी है। और इसका लुक देखिए कितना ही अच्छा लुक है, और बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम सामान में और बहुत ही जल्दी बनने वाली। आप इसको एज अ स्नैक्स या फिर सब्जी की तरह इसको बना सकते हैं। बस सब्जी के लिए आपको इसको ग्रेवी में तैयार करना होगा, नहीं तो आप इसको अगर स्नैक्स में तैयार करना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से जरूर ट्राई करें और सर्व करें दूसरों को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यही इन्ग्रीडियंट्स हमने लिए, अरवी के पत्ते। हम इसको अरवी के पत्ते भी बोलते हैं, आप जो बोलते हैं उस लैंग्वेज में इसको। और मैंने इसकी जो डंडी होती है उसको कट कर दिया है और इसको अच्छे से पानी में धुल लिया और इसको सुखा दिया वापस से। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए। ये हम बेसन है, इसको हम उड़द की दाल चने की दाल का भी पेस्ट बनाकर बनाते हैं, पर मैं आज इसको बेसन से बनाने जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने चावल का आटा लिया, इससे इसमें बहुत क्रंचीनेस आ जाएगा, बहुत ही क्रिस्पी होगा। यहाँ पे मैंने लहसुन और ये लाल मिर्च का पेस्ट लिया है। कुछ सूखे मसाले लिए हैं, ये गर्म मसाला आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, मैंने वहां लाल मिर्च पीस लिया फिर भी मैंने थोड़ा सा लिया है, नमक टेस्ट अनुसार, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच और हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया, इसमें हम इसका पेस्ट पहले तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने जो बेसन लिया वो ले लेंगे, इसका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे, इसलिए मैं आधा एक तिहाई इस कटोरी से हमने एक तिहाई से इसको बेसन का लिया है। और सेम क्वांटिटी में हमने यहाँ चावल का आटा लिया है, चावल को भिगोकर उसको थोड़ा सा उसका पानी निकलने के बाद मैंने उसको यहाँ पेस्ट पीस लिया है, तो ये आटे की तरह थोड़ा सा हो गया है, उसको भी हमें डाल देंगे। उसके बाद जो मैंने ये लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो है, आप चाहे तो इसमें एक छोटा सा प्याज ऐड कर सकते हैं, उसका पेस्ट बना सकते हैं, और मैंने वो नहीं लिया है, ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आप चाहें तो अदरक को ग्रेट करके भी ले सकते हैं, बट मैं अदरक नहीं ले रही हूँ। उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यह लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लाल मिर्च पहले से ही पीसी हुई है, धनिया पाउडर, नमक टेस्ट अनुसार ले आप, हल्दी पाउडर, और लास्ट में हमारा बचा गरम मसाला, तो हम गरम मसाला डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ इसे सूखा मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसका बैटर जो है थोड़ा थिक रखेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने ये एक कप से पानी लिया, देखते कितना यूज होता है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल के ले लेती हूँ। चावल का आटा ऑप्शनल, आप चाहे तो सिर्फ इसको बेसन से भी बना सकते हैं, बट मैंने यह इसमें क्रिस्पीनेस लाने के लिए इसमें चावल का आटा थोड़ा सा यूज किया, उससे क्या होगा थोड़ा सा क्रंची बनेगा। या आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा रवा भी ऐड कर सकते हैं चावल के आटे की जगह। तो लगभग आधा कप मैंने यहाँ पानी यूज किया है, और इसी तरह का हम इसका बैटर जो है तैयार कर लेंगे। ज्यादा पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा गाढ़ा होगा तभी इसमें एक लेयर बनेगी बेसन की अच्छे से। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये आधा एक घूट इसमें पानी बचा है, आधा कप हमने यहाँ यूज किया है, इतना सा पानी लेकर मैं और मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ मेरा एक तिहाई कप पानी यूज हुआ है और बैटर की कंसिस्टेंसी को इतना ही पतला रखिए, देखिए ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा उसमें रुकेगा नहीं। तो इतनी कंसिस्टेंसी हमारी इसकी ठीक है। तो हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हमारा बैटर तैयार हो गया, उसके बाद हमने जो ये पत्ते लिए हैं वो हम इसमें ले लेंगे। जो सबसे बड़ा पत्ता है उसको हम रखेंगे सबसे पहले इस तरह से नीचे, और इसको हम उल्टा रखेंगे। अगर आपके पत्ते थोड़े बड़े वाले हैं, अगर मोटे हैं, तो उसको रोटी की तरह इसको बेल लीजिए, जो इसकी डंठल बीच की वो जो है पतली हो जाएगी और ये मोड़ते टाइम नहीं फटेगी, इसी हमारा प्रेस हो जाएगा इस तरीके से। इसी के ऊपर हमें अब इस पे बेसन लगाना है चारों साइड।
बिल्कुल कंजूसी ना करें, अच्छे से सब तरफ इसमें बेसन लगाएं, तभी इसमें जो है बेसन की एक अच्छी सी लेयर बनेगी। वापस से हम दूसरा पत्ता रखेंगे और इसको हम जो डार्क कलर की स्किन है इसकी उस तरफ से ऐसे रखेंगे और उल्टी साइड से हम इसमें बेसन लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम इसमें 5-6 पत्ते लगा देंगे। बड़ा वाला नीचे रखें ताकि मोड़ने में आसानी हो, और इसी तरह से हम इसके सभी तरह से पत्तों को एक के ऊपर एक रख करके तैयार कर लेंगे। वापस से मैं एक पत्ता रखती हूँ उल्टी तरीके से, और इस पे भी हम इसी तरह से, अगर आपके ये पत्ते मोटे हैं तो आप इसी तरह से सभी पत्तों को अच्छे से बेलें, पर मेरे पत्ते नाजुक हैं, छोटे छोटे हैं, अगर आपके पत्ते ज्यादा बड़े तो वो सूख जाते हैं, इसी वजह से आप पहले उनको बेल लें, नहीं तो आपको मोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। यहां अभी तक मैं 3 पत्ते ले चुकी है, अभी देखते हैं कितने लगाने बाकी हैं। वापस से एक पत्ता रखेंगे, ये बहुत ही टेस्टी, और गांव में तो अधिकतर बहुत लोग इसको खाना पसंद करते हैं, बट अभी हर जगह इसके पत्ते अवेलेबल है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी। आप इसको चाहें तो रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, एक सब्जी की तरह बनाकर, बट मैं इसको स्नैक्स की तरह बनाऊंगी। जिस तरह से हम दाल चावल के साथ आलू की भुजिया लेना पसंद करते हैं, उसी तरह अगर आप इसको भी लेंगे तो ये बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से मैं दूसरी रख दे रही हूँ, इस पर मैंने अभी तक 5 पत्ते रख दिए हैं और सभी पर अच्छे से लगा लिया है। अब हम 5 पत्तों को लेने के बाद इस तरीके से हम इसको मोड़ देंगे। इसी तरह से हमने सब पे मोड़ दिया है और वापस से हम इस पे ये लेयर लगा देंगे। सो इस तरीके से हमने ये सबको लगा दिया है और वापस से हम इसको इस तरीके से धीरे धीरे मोड़ देंगे। सो ये देखिए बिल्कुल आराम से हमारे पत्ता जो है मुड़ गया है, ये देखिए, और अब हम इसके दोनों साइड में भी ये लगा देंगे ताकि ये बाहर से भी अच्छे से हो जाए। अगर अब आपका ये अच्छे से नहीं रुक रहा है, आपको लगता है कि आपका खुल जाएगा, तो आप इस तरीके का जो धागा आता है ना कपड़े सिलने वाला थ्रेड, उसको इस पे लपेट दे, इससे हमारा पत्ता नहीं खुलेगा, और इसको हो जाने के बाद हम इसको खोल देंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल एक बनकर तैयार है। सो इसी तरह मैं इसके दूसरे पत्ते को भी कर लेती हूँ। ये जो बड़ा पत्ता है मैं उसको इस तरीके से ले लूंगी और वापस से इसी सेम तरीके से सेम प्रोसेस से इस पे भी तैयार कर लेंगे। सो मैंने इसी तरीके से दोनों को कर लिया और मैंने इस वाले को थ्रेड से कवर कर दिया है, मतलब उसको बांध दिया है ताकि ना खुले, और इसको मैंने बिना थ्रेड के किया है। तो चलिए हम आपको दोनों, अगर आपको थ्रेड से नहीं आसान लगता तो आप जो पॉलिथीन आते ना जिसमें सब्जी या फिर नॉर्मल वाली जो पॉलिथीन होती है, उस पॉलिथीन में इसको कवर करके कुकर में डाल के एक सीटी लगा सकते हैं, नहीं तो मैं इसको भगोने में करती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने एक भगोना ले लिया, इस भगोने में इस तरह से पानी रखा और एक कटोरा रख दिया, आप चाहे इसको कढ़ाई में कर सकते हैं, उस कटोरे में पानी रखा और यहाँ पे दूध जो ढकने वाली छन्नी होती है उसको यूज किया, और इस दोनों का उठा के इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से, ये देखिए, बस यहाँ पे इसको रख देंगे और 10 से 15 मिनट, मिनिमम 10 मिनट हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके इसमें एक अच्छा सा स्टीम आने देंगे, मतलब भाप लग जाने देंगे। तो मैं यहाँ इसको एक प्लेट के हाथ से कवर कर देती हूँ, इसको मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल या फिर बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ 10 मिनट मैंने लगभग इसको पकाया, 10 से 11 मिनट मुझे लगाया और ये हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। ये देखिए मैंने इसमें चाकू ऐसे टिप करके डाल के देखा था तो हमारा चाकू बिल्कुल प्लेन आया, देखिए कहीं से कुछ भी नहीं लगा है। सो इसका मतलब ही हमारा अच्छे से पक चुका है। मैंने यहाँ फ्लेम को बंद कर दिया, इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। सो यहाँ फ्रेंड्स मैंने ये प्लेट से निकाल दिया और जो हमने एक में थ्रेड लपेटा था उस थ्रेड को मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे इसको हम खोल देंगे और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा थ्रेड निकल गया और ये हमारा बिल्कुल भी नहीं फटा है, बिल्कुल अच्छे से चिपक चुका है। और ये भी देखिए जो हमने नहीं बांधा तो वो भी हमारा बहुत अच्छे से चुका है। इसको हम यहाँ हल्का सा ठंडा होने देंगे।
सो फ्रेंड्स यहाँ मेरा ये ठंडा हो गया, इसको हम लगभग आधे इंच की शेप में हम इसको कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए ये बीच से कितना अच्छे से पक चुका है, और इस तरीके से हम इसको इस शेप में इसको काट लेंगे। तो मैं सारे पीसेस को कट कर लेती हूँ। सो कट करने के साथ साथ मैंने एक तवा, आप चाहे पैन कोई भी गैस पे चढ़ा दे, सो मैंने सभी पीसेस को अच्छे से कट कर लिया है और हमारा तवा यहाँ गर्म हो गया। इसमें आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दे थोड़ा सा, और इस तरह हम इसको चारों साइड फैला देंगे। उसके बाद आप एक एक करके इस पर रख दे फ्राई होने के लिए। जब इसका एक साइड से अच्छे से पक जाएगा, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इस पर, तब हम इसको पलट देंगे। सो इसको हम जब एक साइड से हमारा हो जाएगा, इसको इस तरीके से पलट के दोनों तीनों साइड से सेक लेंगे। तो देखिए मैंने इसको एक साइड से सेक लिया है, इसको हम इसी तरह से चारों साइड से पलट पलट कर सेक लेंगे जब तक इस तरीके से इसमें गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो फ्रेंड्स हमारे ये चारों साइड से अच्छे से सेक चुके हैं, और ये जो भी बिल्कुल कच्चापन नहीं होगा इसमें, इसी तरह से बिल्कुल कम तेल में हमने सेक दिया है। लगभग बड़ा एक चम्मच हमने इसमें तेल डाला था। बस इसी तरह हम इसको चारों साइड से पलटते हुए सेक लेंगे। बहुत ही कम तेल में बनने वाला नाश्ता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ इसी प्रोसेस के साथ साथ हम इसको बंद कर देंगे। ये हमारा हो चुका है, यहाँ हमने फ्लेम को बंद कर दिया। अब आप इसको सर्व करें। अब इसको चाहे तो सिंगदाने की चटनी बनाकर, मतलब मूंगफली की जो गिरी होती है उसकी चटनी बनाकर आप इसको सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है उसके साथ खाने में। नहीं तो आप इसको किसी भी तीखी चटनी या मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी आता है। और इसका लुक देखिए, और बहुत ही कम तेल में बनने वाली ये रेसिपी है, और बहुत ही अच्छी बनती है। सो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको जरूर बनाकर ट्राई करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें और दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल